फिजिकल डिविजन्स की चर्चा हम भारत की यहाँ करेंगे। भौतिक प्रदेश भारत के कौन कौन से हैं, तो भारत के इस भूआकृति की चर्चा यदि की जाए तो भारत में, चूंकि भारत एक बहुत विशाल देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपको मालूम है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत 2,933 किलोमीटर तो इधर से और 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में, इतना लंबा चौड़ा है और ये इसका क्षेत्रफल है। तो कहने का मतलब भारत एक विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है। तो जब कोई देश एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ होगा तो वहाँ भूभाग की जो आकृति है वो कहीं ना कहीं विभिन्नताएं लिए हुए होगी। तो ऐसे ही भारत की जो भूआकृति है, भारत का जो लैंड है, वो भी बहुत सारी विविधताओं से युक्त है। भारत में कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं तो कहीं पर्वतों से छोटे पहाड़ भी पाए जाते हैं। फिर सामान्य धरातल से ऊंचाई का एक समतल भाग जिसे हम कहते हैं पठार, तो भारत में ये पठार भी पाए जाते हैं। और नदियों के द्वारा निर्मित मैदान भी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रमुख भूआकृतियां हैं जो किसी भी स्थल खंड पर पाई जाती हैं। तो इनमें नंबर एक पर्वत, नंबर दो पहाड़। पर्वत एक सतत लंबी श्रृंखला, थोड़ी ऊंची श्रृंखला होती है, पहाड़ उससे छोटा होता है। पठार उससे भी नीचे होता है, लेकिन पठार का ऊपर का जो भाग है वो प्लेन होता है। जैसे पर्वत तो होगा इस तरह से और पठार जो होगा वो इस तरह से होगा। ठीक, तो ये पर्वत है और ये पठार है। तो पठार जो होता है वो सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ एक समतल भाग होता है, और मैदान जो कि नदियों के द्वारा भी निर्मित हो सकते हैं और समुद्र तटों पर भी हो सकते हैं। तो बात करें पर्वत की, तो भारत का तकरीबन 11% भाग, कितना 11% भाग पर्वतों के रूप में है। पहाड़ों में मतलब कम ऊंचे पर्वत, कम ऊंचाई वाला भूभाग, तो वो कितना है 18% है। इसके अलावा पठार जो हैं वो हमारे कुल भूभाग के लगभग 28% भाग पर हैं। भारत में अधिकांशतः जो पठार हैं वो मध्य या दक्षिणी भाग में हैं, है ना। तो 28% पर पठार हो गया। अब इनमें से बचा कितना 43%। तो 43% भारत का जो भूभाग है, या भारत का जो 43% भूभाग है वो क्या है, मैदानी है। इस मैदानी भाग में समुद्र तटीय मैदान भी हैं और साथ में विभिन्न नदी तंत्रों के द्वारा निर्मित मैदान भी हैं। अगर इनको एग्जैक्टली आप याद करना चाहो, एग्जैक्ट देखना चाहो, तो ये 10.7 NCERT के अकॉर्डिंग चलें तो, और ये 18.6, और जो अगला वाला है वो 28.3, इस तरह से हैं। तो कोई विशेष बात नहीं है इसमें, सॉरी 27.7, 7, 6, 13, 7, 20, तो 27.7। तो NCERT के अकॉर्डिंग अगर याद करना चाहें तो ये ठीक, अन्यथा आप ये याद करें 11, 18, 28, 43, पर्वत पठार, पर्वत पहाड़ पठार मैदान। तो क्रम से ये सबसे ऊंचा होगा, ये उससे नीचा होगा, ये उससे नीचे हैं, और ये मैदानी भाग जो है वो सबसे नीची जगह पर स्थित हैं। इसके अलावा हम बात करें कि किसको ऊंचा पर्वत कहा जाएगा, तो 2135 मीटर, कितना 2135 मीटर से ऊंचा कोई भूभाग है उसको पर्वत कहा जाएगा। पर्वत के बाद अब बात करें हम पहाड़ की, तो पहाड़ जो हैं वो आपके 2135 मीटर से नीचे और 305 मीटर से ऊंचे, 2135 मीटर से नीचे और 305 मीटर से ऊंचे होते हैं। इसके अलावा पठार की हम बात करें तो ये 914 मीटर से नीचे और 305 मीटर से ऊंचे होते हैं।
आप इन्हें चाहें तो ऐसे भी लिखें कि 305 मीटर से ऊंचे और 2135 मीटर तक के, ये होते हैं कौन, पहाड़। और इसके अलावा पठार जो है वो 305 मीटर से ऊंचा और 914 मीटर से नीचा होता है। पर्वत भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर हैं, 11% पर। पर्वत किसे कहा जाएगा, भौगोलिक दृष्टिकोण से जब वर्णन करें, बातचीत करें, तो 2135 मीटर से ऊंचाई वाला कोई इस तरह का नुकीला भाग है, कोई श्रृंखलाबद्ध भाग है, उसको क्या कहा जाएगा, पर्वत कहा जाएगा। पहाड़ जो है वो एकाकी भी हो सकता है। पर्वत में और पहाड़ में यही अंतर है कि पहाड़ पहली बात तो नीचे होगा, दूसरा बात वो एकाकी, पर्वत कभी भी एक चोटी के रूप में थोड़ी होगा, पर्वत एक श्रृंखला के रूप में होगा। पहाड़ जो है वो हो सकता है कि एक छोटे पर्वत श्रृंखला के रूप में हो, थोड़ा नीचे हो। तो पहाड़ किसको कहा जाएगा, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर से ज़्यादा होगी और 2135 मीटर से कम होगी, उसे क्या कहा जाएगा, पहाड़ कहा जाएगा। और भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर, तो 18%, या कहें कि 18.6% भूभाग पर क्या पाए जाते हैं, तो पहाड़ पाए जाते हैं। मान लीजिए ये पर्वत श्रृंखला है, तो पहाड़ जो है वो इस तरह से एक छोटा ऊंचा उठा हुआ स्थलभाग हो सकता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ हमने देखी क्या, पठार। और पठार भारत भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, तो 28% भूभाग पर पाए जाते हैं, 27.7 अगर हम एग्जैक्टली याद रखें। पठार किसे कहा जाएगा, जो पहाड़ है कई बार वही पठार बन जाता है, देखो कैसे, शर्त एक जैसी है कि 305 मीटर से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन पठार में ये लगा दी बीच में से क्या कि 914 मीटर से नीचा होना चाहिए। अब ये कोई पहाड़ है, माने हम यहां ये कोई एक पहाड़ है, तो विभिन्न प्रकार की अनाच्छादन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप यदि ये वाला जो भाग है पहाड़ का, ये कटता चला जाए और ये पहाड़ जो है वो ऊपर से कट कट करके और ऊपर से कैसा हो जाए, समतल हो जाए, तो ऊंचा तो है कितने से ज़्यादा, 305 मीटर से ज़्यादा, 305 मीटर से ज़्यादा, लेकिन उसकी कोई चोटी नहीं बनी, वो क्या है, एकदम समतल है ऊपर, तो ऊंचा उठा हुआ कितना ऊंचा, 305 मीटर से ज़्यादा और 914 मीटर से कम, 914 मीटर से कम, इस तरह का कोई स्थलखंड है तो वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। तीसरी बात, चौथी बात, मैदान के बारे में। तो मैदान मैंने आपको बताया कि दो तरह से बनेंगे, या तो कोई नदियों की वजह से बनेंगे और या फिर बनेंगे कहाँ पर, समुद्र के तटों पर। तो भारत में नदियों के द्वारा निर्मित, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पेरियार नर्मदा तापी, इन सभी नदियों के द्वारा, इन नदी तंत्रों के द्वारा मैदान बनते हैं, तो भारत के मैदान हैं। और भारत के नीचे वाले भाग में, जो दक्षिण वाला भाग है भारत का, उसके तीन ओर क्या है, समुद्र है, तो इसकी वजह से समुद्र तटीय मैदान भी भारत में पाए जाते हैं। अब भारत की इस भूआकृतिक संरचना को हम थोड़ा सा मैप के अंदर देखते हैं, समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान अपने मैप में रखेंगे, मैप में देखें, ये भारत का प्राकृतिक मैप आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ज़्यादातर दो तरह के मैप हम देखते हैं, कोई विशेष उद्देश्य के ना होकर के जो सामान्य मैप होते हैं वो दो तरह के, राजनीतिक और प्राकृतिक। तो जब स्थल की आकृति की बात करेंगे, भूआकृति की बात करेंगे, तो उसमें ज़्यादा उपयोगी प्राकृतिक मैप होता है। बाकी किसी राजनीतिक संरचना, राजनीतिक सीमाओं की बात करें, तो वहाँ हम भारत का या राजस्थान या विश्व जो भी पढ़ रहे हैं, तो उसका राजनीतिक मैप उपयोग में ले सकते हैं। फिलहाल हम भारत का मैप उपयोग में लेते हैं। आप जब भारत को देखोगे, उसकी संरचना पढ़ोगे, तो उसमें पाओगे कि भारत के ऊपर इस पूरे भाग में ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्या है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। भारत का ये जो पूरा नीचे वाला भाग है, ये सामान्य से ऊंचा उठा हुआ समतल भाग है, मतलब इसको क्या कह देते हैं, हम पठार कह देते हैं। तो इस पठार पर नदियां भी हैं खूब सारी होने को, तो एक तो ये वाले हो गए क्या, पर्वत, और ये हो गए क्या, पठार। अब इस पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। जब आप मैप देख रहे हैं तो आप ब्लू कलर की लाइंस देख रहे होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई बहुत सारी नीली नीली लाइनें आ रही हैं, और ये सारी की सारी जो नीली लाइनें हैं वो दर्शाती हैं नदियों को। तो ऊपर इस पहाड़ पर से आने वाली जो नदियां हैं वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर के आती हैं, और उस मिट्टी को, जैसे कोई नदी यहां से चली, मान लो
तो यहाँ से जैसे जैसे नीचे आएगी, इसके साथ में इस पूरे भाग के जो अवसाद हैं वो बह करके आएंगे, और जब ये नदी मैदान में आएगी तो उन अवसादों का क्या कर देगी, जमाव कर देगी। तो इस तरह से क्या होगा, एक नदी द्वारा निर्मित मैदान का निर्माण होगा। तो उत्तर में पर्वत, दक्षिण में पठार, और बीच में ये जो जगह रह गई है ये पूरा का पूरा लगभग क्या है, मैदान है। तो जो तीन प्रमुख स्थल खंड होते हैं या स्थल रूप होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। देखो पहाड़ की बात क्यों नहीं, कि जो कम ऊंचा पर्वत है वो क्या है, पहाड़ है। हमने देखा यहाँ कि जब 2135 मीटर से ऊंचा होगा उसे ही क्या कहेंगे, हम पर्वत कहेंगे, भौगोलिक अध्ययन जब हम करते हैं तब, ठीक है। बाकी हम किसी भी ऊंचे उठी हुई जगह को, चोटी को हम पर्वत कह देते हैं, पहाड़ कह देते हैं, वो अलग मसला है। बाकी भौगोलिक दृष्टि से जब हम अध्ययन करेंगे 2135 मीटर ऊंचा जो होगा वही पर्वत कहलाएगा, 2135 से जो नीचे होगा वो क्या कहलाएगा, फिर पहाड़ कहलाएगा। तो वर्तमान में अरावली एक पर्वत ना होकर के क्या रह गया है, पहाड़ रह गया है। अरावली के बारे में आप विस्तृत अध्ययन अपने सेकेंड ईयर में कर चुके हैं कि कैसे पहले एक सबसे ऊंची पहाड़ों में से एक थी, बड़ी थी, और बाद में वो अपर्दित होकर के बहुत छोटी रह गई। आज उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरुशिखर, और गुरुशिखर कितना ऊंची है, तो वो 1722 या 1727 जो भी कहते हैं उतना मीटर ऊंची है। तो हम बात करते हैं भारत की। भारत में ऊपर की तरफ पर्वत, और ये इधर वाला भाग भी भारत का पर्वत है, आगे हम फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे उनमें आएगा। ये नीचे वाला भाग जो है वो पठार है, और इस पठार के दोनों तरफ यहाँ इधर और ये वाला भाग, तो ये समुद्र के तट हैं। तो इसलिए क्या है, ये समुद्र के तटीय मैदान। तो मैदान भी हो गए, पठार भी हो गए, पर्वत और पहाड़ भी हो गए। तो इस तरह से भारत विस्तृत क्षेत्रफल पर फैला हुआ होने के कारण बहुत सी भौतिक विशेषताएं रखता है, जिनका अध्ययन हम बारी बारी से आगे करेंगे। अब सबसे पहली बात जब हम करेंगे तो वो होगी किसके बारे में, भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो देखें भारत के भौतिक प्रदेश, तो भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं। ऊपर की ओर भारत के क्या है, पर्वत है। तो सबसे पहले हम पर्वत का ही नाम लिखते हैं, ठीक है। अब उत्तर की ओर है तो उत्तरी, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पहला भारत का भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि भारत के किधर है, उत्तर की ओर है। इसी में हम चाहें तो लिख दें, नहीं तो इसके अंदर आ जाएगा वो क्या, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ठीक है। वो नीची हैं, ये वाले भाग की बात हो रही है जब पूर्वोत्तर की बात हो रही है तब, ठीक है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और उसी के अंदर एक पॉइंट ऐड करेंगे क्या, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, क्योंकि भाग तो इसी का है, दिशा बदल गई है, ये तो उत्तर हो गई और इधर का हो गया ना, तो भारत का कौन सा भाग हो गया, ये उत्तरी पूर्वी भाग हो गया, तो इस केवल इसलिए। अच्छा, दूसरा भौतिक प्रदेश भारत का कौन सा है, तो देखें किसी को भी माने एक को, तो इधर से आने वाली नदियां यहां जाती हैं, कुछ नदियां यहां से इधर जाती हैं, तो बीच में ये नदियों का मैदान बना हुआ है, और इस मैदान में एक इधर वाला जो पार्ट है ये आपको मालूम है कि राजस्थान का क्या है, रेगिस्तान। क्या है ये, राजस्थान का रेगिस्तान, ये वाला पार्ट। तो रेगिस्तान भी क्या होता है, एक मैदान होता है, तो उसका अध्ययन भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे, मैदान के अंदर ही कर लेंगे। तो भारत के हिसाब से देखा जाए तो ये भी उत्तर की तरफ है, अगर बीच में एक रेखा खींची जाए तो ऊपर का भाग उत्तर और नीचे का भाग दक्षिण की ओर। तो दूसरा जो प्रादेशिक भौतिक प्रदेश बनता है वो बनता है आपका कौन सा, उत्तर का मैदान, बहुत बड़ा है इसलिए उत्तर का विशाल मैदान। तो दो पॉइंट हुए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, और दूसरा उत्तर का विशाल मैदान। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं जो प्रमुख प्रमुख हैं, पहले उनके नाम, एक, दो और तीन, पठार। अब मैंने पिछली कक्षा में आपको ये बताया कि पठार क्या होता है, सॉरी पठार नहीं, मैंने पिछली कक्षा में आपको ये बताया कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो देखो, तीन ओर से जल से घिरा हुआ कोई भी स्थलखंड, ये क्या है, स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ कोई स्थलखंड जो एक तरफ स्थल से जुड़ा हुआ हो वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये वाला भाग, पहली बात तो क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, तो प्रायद्वीपीय,
प्रायद्वीपीय। दूसरी बात, ये भारत के कौन सी दिशा में है? दक्षिण में। तो दक्षिणी, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय। और ये क्या है? पठार है, तो नाम क्या आ जाएगा इसका? पठार। ठीक है, ये नाम क्यों रखेंगे? दक्षिण में है इसलिए दक्षिणी, तीन ओर से जल से घिरा है इसलिए प्रायद्वीपीय, और सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ समतल भाग है इसलिए पठार। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। अब भारत के कितने भौतिक प्रदेश हुए आपके? तीन हुए। चौथे नंबर का भौतिक प्रदेश हम लेंगे इस प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ। ये जो हरे कलर का आपको यहां दिख रहा है, ये है समुद्र के तट, समुद्र के किनारे पर या स्थल के किनारे पर, ये क्या है? समुद्र के तट। तो इन समुद्र तटों को हम कह देते हैं क्या? नंबर चार, समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान, ठीक। और अंतिम एक पांचवा और लिख सकते हैं हम, कई किताबों में आप पढ़ोगे आपको समुद्र तटीय मैदान के साथ जुड़ा हुआ भी मिल जाएगा। भारत का इस साइड में कौन सा द्वीप समूह? सब जानते हो आप, लक्षद्वीप। और इस साइड में कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पांचवें नंबर पर हम लिख देंगे क्या? द्वीप समूह। तो इस तरह से भारत को हम भूआकृति की दृष्टि से, भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं? तो इन पांच भागों में बांट सकते हैं। ये पांच प्रमुख भाग हैं। जब हम इनका एक एक का अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इनके अंदर भी खूब सारे पार्ट हैं। तो इन सब की चर्चा अगली कक्षाओं में हम बारी बारी से करेंगे। तो आगे मेरे साथ बने रहिए और वीडियोज़ को आप लगातार देखते रहिए। थैंक यू।